इसमें अपने आप सिस्टर मदर को भी आप बैठा के ले जा सकते हैं, बट आपको आफ्टर मार्केट एक साइड में यहाँ पे फुट रेस्ट लगवाना पड़ेगा, तो सबको आप बैठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। तो अभी मैं हूँ अंबा बजाज में और मेरे पीछे देखो, मतलब ये 160cc ये पूरा एक सेगमेंट बनाया है पल्सर वन जो N160 के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि N160cc में ये पहली डुअल चैनल एबीएस बाइक है। तो आज इस बाइक के बारे में बात नहीं करेगी, इस बाइक की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जाके देख लो। और आज हम बात करने वाले हैं सेसर ऑफ 220 जो कि अपनी है पल्सर F250। और F250 आज मेरे एक फेवरेट कलर में यहाँ पे अवेलेबल है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है, ब्लू। तो ब्लू कलर में बाइक बहुत ही क्लियर लग रही है, तो मैं बाइक दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि ये 220 से इतनी अलग क्यों दिखती है, क्यों इसको इतना ऐसे बनाया गया है इसका डिज़ाइन, तो वो भी बताऊँगा। और माइलेज वगैरह प्राइस सब कुछ बताएंगे इस बाइक के, कुछ रिवील करेंगे इस बाइक का, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। चलो एक बार दिखाते हैं आपको बाइक। हाँ जी, तो देखो ये है अपनी बजाज की पल्सर F250। तो ये जो पल्सर F250 है, क्या ये पल्सर नेम को रिजेंबल कर रही है या नहीं कर रही? क्योंकि जैसा बजाज ने बताया कि ये अपनी सक्सेसर है 220F की, तो 220 की अब प्रोडक्शन बंद हो गई है, तो उसकी सक्सेसर ये है, तो F250 अब आती है। और आगे से देखोगे ना तो बहुत स्लीक है, बाकी वाइडनेस तो अच्छी है बाइक की, लेकिन आगे से बहुत स्लीक है। और बहुत मेजर इसके अंदर अपग्रेड्स भी दिए हैं बजाज ने, बट आगे से इतनी स्लीक क्यों रखी बजाज ने, तो वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना तो समझ में आएगा आपको। सबसे पहले इसका फ्रंट देखो आप, करते हैं मडगार्ड की, तो मडगार्ड देख लो, आपको फ्लोटिंग मडगार्ड मिलने वाला है फ्रंट में, और इसमें देख लो फ्लोटिंग पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है। और डुअल फिनिश में मिलने वाला है मैट ब्लैक एंड ग्लॉस ब्लू, तो ब्लू कलर बाइक का कलर है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये जो डिटेल्स दे रखे हैं, ग्राफिक्स जो लगा के रखे हैं। और कलर में देख रहे हो, ये देखो कलर कितना शाइनी कलर है इसका, तो कलर में भी बहुत कोई दिक्कत नहीं है, कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेन क्वालिटी में पहले जो इश्यूज थे 220 में, वो 250F में काफ़ी हद तक अच्छे कर दिए, तो इसमें आपको ऐसे वाइब्रेशन की दिक्कत नहीं आने वाली। और बात करते देखो इसमें ब्रेक कैलिपर्स, तो इसमें ग्रेविका के ब्रेक कैलिपर्स दिए हुए हैं, और अपनी 220 में तो वाइब्रे आता था, बट इसमें ग्रेविका के दिए हैं। और बजाज कहती है कि अच्छे हैं। और फ्रंट में 300mm की डिस्क दे रखी है, जो कि डिस्क का साइज़ काफ़ी यूज डिस्क का साइज़ दे रखा है अच्छी ब्रेकिंग के लिए। और डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा, फ्रंट में भी आपको एबीएस रिंग मिल जाएगी और रियर में भी एबीएस रिंग मिल जाएगी, दिखा दूंगा आपको मैं वीडियो में। और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल जाएंगे आपको इस तरीके के। और बात करें फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर देख लो, ये आपको ब्लू के साथ सिल्वर फिनिश में मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छा मैच कर रहा है इसके साथ ये कलर। तो सिल्वर फिनिश भी जो है ये है ना, ये पूरा ग्लिटर वाला है, पूरा शाइनी है, देख लो कितना शाइन कर रहा है ये कलर। और फ्रंट व्हील आपको 17 इंचेस का फ्रंट व्हील मिल जाएगा विद 100 सेक्शन टायर, तो 100 बाई देख लेते हैं 100 बाई 80, तो 100 बाई 80 17 इंचेस व्हील फ्रंट पे रहने वाला है। MRF जेपर टायर मिलने वाला है, तो नॉर्मल टायर है, रेडियल टायर नहीं है, इसको आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं रेडियल टायर्स में। और बाकी ये इसमें वाइजर दे रखा है, तो ये देख सकते हो वाइजर, और ये टिंटेड वाइजर है, यहाँ पे बजाज का लोगो दिया हुआ है, तो वाइजर थोड़ा सा और अगर बड़ा होता तो और अच्छी हेल्प होती हाई स्पीड में विंड ब्लास्ट से। बाकी यहाँ पे अपने आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और जो ये स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे इसके मिरर्स लग जाएंगे, क्योंकि अभी ये डिस्प्ले पीसेस में मिरर नहीं लगा है, बट इसमें मिरर लग जाएगा, फिर आपको डिलीवरी मिलेगी इसकी। बाकी हेडलाइट्स जो कि DRLs बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और जो आगे भी देख लो, ये कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स दे रखे हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब बात करते हैं टैंक की, तो इसमें 14 लीटर्स की आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी है और मेटलिक टैंक है सबसे बड़ी बात। जैसे अपनी RS के अंदर आता है उसमें मेटलिक टैंक इनसाइड होता है, पर कवर होता है, बट ये प्रॉपर मेटलिक टैंक है। और ये टैंक के ऊपर भी यहाँ ग्राफिक्स दे रखे हैं, बट एक चीज़ जो मिसिंग है, जो बजाज अभी तक हर ब्रांड में दे रहा है, मतलब हर पल्सर में दे रहा है टैंक पैड, देख रहे हो इसमें दे रखा है 150 में, तो वो टैंक पैड यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे टैंक पैड होना चाहिए था, तो यहाँ पे वो थोड़ा मुझे मिसिंग लग रहा है। और बाकी यहाँ पे बजाज का देखो तो 3D ये लोगो दिया हुआ है, येरा 3D लोगो विद ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिक के ऊपर दिया हुआ है, पीछे ग्राफिक दिया हुआ है और ग्राफिक के ऊपर ये बजाज का और सॉरी पल्सर का 3D लोगो दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, जो कि पहले मतलब पल्सर्स में मिसिंग था, बट ये मिल जाएगा, बट इसे कवर अभी यहाँ से हटा हुआ है, तो कवर ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। और क्लिप ऑन हैंडल बार आपको मिल जाएंगे, जो क्लिप ऑन हैंडल बार बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, तो क्लिप ऑन हैंडल बार आपको मिल जाएगा। और बाकी सेम वही बजाज का जो स्विचेज आते हैं वही मिलेंगे, और इसमें थोड़ा सा फिनिश यहाँ पे दे दिया है,
और इससे क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव कर दी है। और बैकलाइट स्विच है देख लो, तो ये बैकलाइट में यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई हैं इसकी स्विच, मतलब इग्निशन ऑन करते ही। और यह इंडिकेटर है ये लो बीम हाई बीम में, यहाँ पे पास का मिल जाएगा आपको ये देख लो। और ये आपको हॉर्न मिल जाएगा, सिंगल हॉर्न है इसके अंदर। और इधर से आपका इंजन किल स्विच है नीचे, ये आपका सेल्फ स्टार्ट बटन दिया हुआ है क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। और बाकी ये देखोगे तो ये है इसका पूरा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसका स्वाइप अप दिखाता हूँ कैसे होता है, तो कुछ इस तरीके से स्वाइप होता है देख लो। और यहाँ पे छोटी डिस्प्ले दे रखी है आपको विद बैकलाइट जो दे रखी है ब्लू कलर में। यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर, स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और टाइम, और आपको इसमें सर्विस इंडिकेशन वगैरह सब आ जाएगा। और यहाँ पे आपका फ्यूल आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से है इसका मीटर। बस इसमें ऐसे कोई कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं आते। और की दिखाऊं तो की भी चेंज कर दी बजाज ने, तो देख लो कुछ इस तरीके की कर दी है बजाज ने अब। तो आपको जितनी भी नई न्यू पल्सर, सब न्यू जनरेशन पल्सर आएंगी, सब में इसी तरीके की मिलने वाली है। और की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो मेरे पास पल्सर है उससे तो बेटर इसकी क्वालिटी है की। और बात करते हैं सीट की, तो स्प्लिट सीट आपको इसमें मिल जाएगी, ये देख लो। तो स्प्लिट सीट है, और सीट की वाइडनेस पिलियन के लिए भी अच्छी है और राइडर के लिए भी अच्छी है। इसमें अपने आप सिस्टर मदर को भी आप बैठा के ले जा सकते हैं, बट आपको आफ्टर मार्केट एक साइड में यहाँ पे फुट रेस्ट लगवाना पड़ेगा, तो सबको आप बैठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इजीली मदर भी यहाँ पे बैठ सकती है बाकी। और मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है बाइक और बहुत ही प्यारी लग रही है। देखोगे एक बार, ये देखो साइड से किस तरीके का लुक है, कितनी लंबी लगती है बाइक और कितनी ब्यूटीफुल लगती है। और यहाँ पे F250 की बैजिंग दी हुई है, और ये इसे ग्रैब रेल्स दे रखे हैं, जो ग्रैब रेल्स भी सिल्वर फिनिश में। और ये इसकी LED टेल लाइट है, जो कि देख रहे हो शेप देख रहे हो, मतलब थोड़ा सा पहले से चेंज किया, पहले कुछ इस तरीके से आती थी, अब कुछ थोड़ा सा ये बूमरैंग टाइप में कर दिया, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया लग रही है मेरे हिसाब से। और बाकी टेल टैडी दे रखी है इसके अंदर, ये वाली लॉन्ग टेल टैडी, जैसे अपनी ड्यूक वगैरह में देखी होगी हमने, लॉन्ग की टेल टैडी आती है उस तरीके से टेल टैडी दी हुई है। टायर हगर दिया हुआ है विद बोथ साइड सपोर्ट, पहले एक साइड सपोर्ट आता था। और एक सारी गार्ड मिलेगा आपको, और एक फुट रेस्ट मिलेगा पिलियन के लिए, ये रहा सिल्वर फिनिश, और ये राइडर का फुट रेस्ट सिल्वर फिनिश। और सबसे जो मेरा दिल आया है वो आया है इसका एग्जॉस्ट पे, इसमें भी डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया हुआ है, जिसका एग्जॉस्ट साउंड वो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जॉस्ट साउंड मिलने वाला है, बहुत ही डिफरेंट साउंड करती है बाइक जब निकलेगी ना किसी के बगल से, तो वो बंदा जरूर इसको एक बार मुड़ के देखने वाला है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट साउंड कुछ ऐसा है। और लुक जो बाइक का है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा एरोडायनेमिक लुक बनाया है, क्योंकि पहले वाली जो पल्सर थी उसमें एरोडायनेमिक नहीं थे उतना, क्योंकि पहले आगे से बहुत वाइड थी, बट ये एरोडायनेमिकली काफ़ी स्ट्रांग है उससे। तो देख रहा हूँ मतलब किस तरीके से इसमें क्रीज दे रखे हैं, जिससे कि आपकी विंड इजीली पास हो जाए, तो इसलिए इसका आगे थोड़ा स्लीक डिज़ाइन रखा गया। बाकी पीछे से बाइक उतनी ही वाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा, और ये आपको पूरा इसका स्विंग आर्म देख रहा हूँ, स्विंग आर्म मिल रहा है। तो स्विंग आर्म की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब थिकनेस भी स्विंग आर्म की काफ़ी अच्छी है, और मुझे क्वालिटी में कोई इसमें इशू नहीं लग रहा, जो कि पहले पल्सर में क्वालिटी में थोड़ा इशूज मतलब हो गया था, तो इसमें वो वाला कोई इशू नहीं है। बाकी सिल्वर फिनिश में जो ये लग रहा है ना, ये थोड़ा वो जो सिल्वर फिनिश दे रखी है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है सिल्वर फिनिश। और रियर में आपको देखोगे तो रियर में आई थिंक ये 230mm की डिस्क दे रखी है विद ABS रिंग, तो इसमें डुअल चैनल ABS है, तो ये देख सकते हैं। और रियर टायर की बात करें तो 130 सेक्शन का नाइलॉन ग्रिप ज़ैपा टायर है, और अलॉय व्हील के जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, जो कि अपने NS 200 के अंदर आता था, वही सेम डिज़ाइन इसमें कैरी फॉरवर्ड किया, बट थोड़े से पहले से लाइट वेट कर दिया है। अब वेट की बात करें तो बाइक का वेट जो है वो 164 kgs के आसपास का वेट है, और मतलब पावर टू वेट रेशियो भी इस बाइक का बहुत ही अच्छा है, तो देख सकते हो कि इस तरीके से लुक है। अब बात करते हैं द हार्ट ऑफ द बाइक, जो कि इसका बाइक का इंजन। तो बाइक का जो इंजन है वो बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड इंजन है बजाज की साइड से, तो ऐसा इंजन मतलब बजाज ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया है। और ये जो इंजन है ये DTSI ट्विन स्पार्क इंजन है, पहले ट्रिपल स्पार्क आता था जो अपनी NSRS में आता था, बट ये ट्विन स्पार्क के साथ आएगा ये DTSI इंजन, तो इसमें डिजिटली ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ यूज़र है। और जो ये इंजन ये जनरेट करेगा 24.5 PS की पावर और 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो टॉर्क बहुत अच्छा है इसका, लो एंड टॉर्क तो बहुत ही बेस्ट है, प्योरली फॉर सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग बहुत अच्छा आपको टॉर्क मिलने वाला है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर मिल जाएगा, और एक इंजन कॉइल मिल जाएगा विद फ्लोटिंग टाइप इंजन कॉइल मिलने वाला है आपका। तो देख लो यहाँ पे एक ये पूरा सिल्वर फिनिश दिया हुआ है, और नीचे ये काउल दे रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बात करता हूँ इसके अंदर क्लच में, तो उसमें आपको स्लिपर क्लच मिलने वाला है, तो ऐसा क्लच है ना बहुत लाइट है, ये देखो मतलब सिंगल फिंगर से आप इजीली प्रेस कर सकते हैं। और ये देख लो यहाँ पे पूरा गोल्डन फिनिश दिया हुआ है, और ये डुअल फिनिश में दे रखा है, और यहाँ पे आपको पूरा
ये 5-speed गेयरबॉक्स में मिलने वाला है। तो बहुत लोगों को डाउट था कि भाई अपनी 250cc के अंदर 5-speed गेयरबॉक्स कैसे मैच कर पाएगा बजाज, तो भाई ये बहुत अच्छी पावर है, इसकी हर गियर में आपको अच्छी पावर मिल रही है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो 150 इसमें आप इजिली अचीव कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे से राइड करोगे तो 40-45 की आपको माइलेज भी इसमें इजिली मिल जाएगी। तो एक तरीके की ये माइलेज मशीन है 250cc में, तो 250cc में 45 की माइलेज और 40 की माइलेज भी अगर मिलती है ना आपको, तो वो भाई कम नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपको इतनी माइलेज काफ़ी लोगों ने मिल रही है, काफ़ी लोगों जो इसको ओन कर रहे हैं। बाकी मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है ये वाला, किसी को लेनी है तो अंबा बजाज पे अवेलेबल है, आके कॉन्टैक्ट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, कॉन्टैक्ट करो, अपनी डील को फाइनलाइज करो और अपनी बीस्ट को अपने घर लेके जाओ। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो सबसे पहले अंबा बजाज पे कॉन्टैक्ट करो, अपनी डील को फाइनलाइज करो, उसके बाद थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपको, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो कर दो शेयर अपने जिसकी भी फ्रेंड को लेनी है 250cc की बाइक, या उसका बजट है नियर अबाउट 1.8 लाख तक का बजट है, तो भाई ये बाइक आपके लिए है। 1.8 लाख के अंदर आपको ये मिल जाएगी, तो ये बाइक आपके लिए, आप आके डील को फाइनलाइज कर सकते हो। अंबा बजाज GB पालिया बैंगलोर, अपनी डील आके फाइनलाइज करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपसे मिलते हैं और अगली अच्छी वीडियो में, जब तक टिल देन सी यू, ओके।